हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज होने वाले तीन रिंग के बारे में जानेंगे, नेक रिंग, वेयर रिंग और लेटरन रिंग। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किए हैं तो तुरंत मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए करते हैं अभी वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं तीनों रिंग के बारे में। पहले समझते हैं नेक रिंग के बारे में। नेक रिंग का इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूगल पंप में किस जगह पे किया जाता है और इसका काम क्या है? नेक रिंग का इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूगल पंप में जस्ट बेयरिंग के बैक साइड में किया जाता है, और बेयरिंग में जो लुब्रिकेट यूज किया जाता है, जैसे ग्रीस हो गया, ग्रीस को बाहर आने से ये नेक रिंग रोकता है। कैसे रोकता है वो भी जान लीजिए। इसी नेक रिंग के ऊपर में ग्रीस सील, जो ग्रीस सील आता है, उसका इनर सरफेस इसी नेक रिंग के ऊपर में फिट होता है। अगर आप लोग नेक रिंग को फिट नहीं करोगे तो ग्रीस सील का जो इनर डाया रहेगा उस पर गैप आ जाएगा और वहाँ से ग्रीस बाहर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रीस ही खाली नहीं निकलेगा, ग्लैंड का जो वाटर है लीकेज होगा, वो भी बेयरिंग के अंदर चला जाएगा। तो नेक रिंग कहाँ फिट होता है? नेक रिंग बेयरिंग के जस्ट बैक साइड में फिट होता है, और ये बहुत प्रकार का आता है। नेक रिंग रबर का भी आता है, ब्रास मटेरियल का भी आता है, एसएस का भी आता है, कास्ट आयरन का भी नेक रिंग आता है। मैंने खुद यूज किया हुआ है। तो नेक रिंग को कहाँ पे फिट करना है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, आपको देखने को भी कहाँ मिलेगा? जस्ट बेयरिंग के बैक साइड में। बेयरिंग के अगर बैक साइड में जो रिंग फिट है, अगर उस रिंग का नाम नहीं पता तो भी जान लीजिए, उसको नेक रिंग बोला जाता है। अगर उस पार्ट्स को भी आप ऑर्डर करोगे तो नेक रिंग के नाम से वो मार्केट से मिलेगा आपको, और उसी को नेक रिंग को फिट करने के बाद उसके ऊपर में आपको ग्रीस सील को फिट करना पड़ेगा। ग्रीस सील का जो इनर डाया है नेक रिंग के ऊपर आएगा और वहीं पे रोटेट होते रहेगा। जब शाफ्ट आपका पंप का शाफ्ट जब रोटेट होगा तो साथ में नेक रिंग भी रोटेट होते रहता है और ग्रीस को बाहर आने से रोकता है, और ग्लैंड का जो वाटर है उसको भी बेयरिंग में अंदर जाने से रोकता है। तो जब भी आपको बेयरिंग के बैक साइड में रिंग दिखे उसको नेक रिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक रिंग को कब चेंज किया जाता है ये भी जान लीजिए। नेक रिंग को तभी चेंज करना है जब उसके ऊपर एक मार्किंग आ जाए ग्रीस सील का। अब जानते हैं वेयर रिंग के बारे में। वेयर रिंग कहाँ फिट होता है और इसका काम क्या है? तो वेयर रिंग का जब भी नाम सुने तो सीधा समझ में आना चाहिए कि वेयर रिंग इंपेलर में फिट होता है। कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप हो उसके इंपेलर के ऊपर वेयर रिंग को फिट किया जाता है। अब वेयर रिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इसको भी जान लीजिए। इसको बहुत बार इंडस्ट्रियल एरिया में इंपेलर रिंग भी बोला जाता है। तो वेयर रिंग का इस्तेमाल इंपेलर में बैलेंसिंग के लिए किया जाता है, इंपेलर बैलेंस रहे और वाइब्रेशन ना हो। क्योंकि अगर आपने वेयर रिंग को नहीं लगाया तो इंपेलर ओपन कंडीशन में घूमेगा और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा पंप में। तो वेयर रिंग को आपको सही तरह से फिट करना है। देखिए, पहले वाले फ़ोटो में आपको ओपन दिख रहा है वेयर रिंग और दूसरे वाले फ़ोटो में आपको फिट हुआ दिख रहा है। तो इसी तरह से ही वेयर रिंग फिट होता है। और उसके बगल वाले तीसरे नंबर फ़ोटो में देखिए, दोनों साइड में आपको वेयर रिंग दिख रहा है, क्योंकि ये डबल सेक्शन इंपेलर है। जब भी डबल सेक्शन इंपेलर आपको दिखे उस पर दोनों साइड में वेयर रिंग फिट होगा, और सिंगल सेक्शन जो इंपेलर दिखेगा उस पर एक वेयर रिंग फिट होगा। अब जानते हैं कि वेयर रिंग को कब रिप्लेस करें। वेयर रिंग को तभी आपको रिप्लेस करना है जब वेयर रिंग के इनर डाया में बहुत ज़्यादा मार्किंग आ जाएगा इंपेलर का। क्योंकि वेयर रिंग एक ही जगह रुका हुआ रहता है और इंपेलर उसके अंदर में रोटेट होते हुए रहता है, रेगुलर इंपेलर उसके अंदर रोटेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपको वेयर रिंग के ऊपर मार्क दिखे
दागी दिखे तो आपको वेयर रिंग को रिप्लेस कर देना है, और वेयर रिंग प्ले अगर आपको लग रहा है इम्पेलर से बहुत ज़्यादा प्ले लग रहा है, जब इम्पेलर में आप वेयर रिंग को डालोगे तो प्ले नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्ले मिल रहा है बहुत ज़्यादा तो भी आपको वेयर रिंग को रिप्लेस कर देना है। अगर वेयर रिंग को रिप्लेस नहीं करोगे तो पम्प में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ सकता है, वाइब्रेशन के कारण बेयरिंग भी डैमेज हो सकता है, इम्पेलर भी डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए आपको वेयर रिंग में जब भी दागी मिले तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। अब जानते हैं लेटरन रिंग के बारे में, ये कहाँ पे फिट होता है और इसका काम क्या है। लेटरन रिंग हमेशा आपको ग्लैंड पैकिंग के बीच में देखने को मिलेगा। हमेशा ये सेंट्रिफ्यूगल पंप में जब भी आप उसको डिसमेंटल करोगे तो उसके नीचे और ऊपर दोनों साइड में ही ग्लैंड पैकिंग होंगे और बीच में लेटरन रिंग आपको देखने को मिलेगा। और लेटरन रिंग अब क्यों फिट किया जाता है इसको भी जान लीजिए। लेटरन रिंग का इस्तेमाल सेंट्रिफ्यूगल पंप में इसलिए किया जाता है कि ग्लैंड को ठंडा रखे। किस तरह से लेटरन रिंग ग्लैंड को ठंडा रखेगा अब इसको भी जान लीजिए। हमेशा जब भी ग्लैंड पैकिंग रहता है उसके साथ एक ग्लैंड कूलिंग ट्यूब फिट हुआ रहता है सेंट्रिफ्यूगल पंप में। वही ग्लैंड कूलिंग ट्यूब से जो पानी आता है वो लेटरन रिंग के ऊपर गिरते रहता है रेगुलर, और वही पानी आपके ग्लैंड पैकिंग को लुब्रिकेट करते रहता है रेगुलर। लुब्रिकेट करने का भी काम करता है और ठंडा करने का भी काम करता है। तो लेटरन रिंग का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, ग्लैंड पैकिंग के बीच में लेटरन रिंग का इस्तेमाल आप लोगों को करना है। ये भी बहुत सारे मटेरियल का आता है, प्लास्टिक का भी आता है, एसएस का भी आता है, ब्रास मटेरियल का आता है। ये कभी कभार दो पार्ट्स में भी आते हैं, दो हाफ हाफ कट पीस में मिलेगा देखने को, या तो आपको सिंगल पीस में भी ये देखने को मिल सकता है। अब लेटरन रिंग को रिप्लेस कब करें, जब भी लेटरन रिंग आपको डैमेज मिले या बहुत ज़्यादा कोरोटेड हो गया है तो उसको आपको तुरंत रिप्लेस कर देना है, क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। उसके अंदर से वाटर का पासिंग जो होना है वो सही तरह से हो नहीं पाएगा और वो ग्लैंड को हीट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब भी लेटरन रिंग आपको डैमेज मिले या कोरोटेड मिले या रस्टेड मिले तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। और रिप्लेस करके कहाँ फिट करना है, दोनों ग्लैंड पैकिंग के बीच में लेटरन रिंग को फिट किया जाता है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। तो यही तीनों रिंग लगते हैं सेंट्रिफ्यूगल पंप में, नेक रिंग, वेयर रिंग और लेटरन रिंग। नेक रिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बेयरिंग के बैक साइड में। वेयर रिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, इम्पेलर में फिट किया जाता है वेयर रिंग को। और लेटरन रिंग का इस्तेमाल ग्लैंड पैकिंग के साथ किया जाता है। सिंपल सा तीनों रिंग है तो इसको आप लोगों को नोट कर लेना है तो समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।